ये भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءت من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين घर बनाने वाले और दुकान बनाने वाले बहुत मिलते हैं मगर किला बनाने वाले कम मिलते हैं। जब मैं 1975 में बरतानिया आया तो मकानों में नमाजें थी अजाने थी, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूं कि जियाउल उम्मत की जिया से जो हुसैन की इमदाद हासिल हुई और एक मुजस्सम इमदाद हुसैन नजर आया तो जामे अल-करम एक किला की सूरत अख्तियार कर चुका, उसके रूहे रवां, उसकी धड़कन पीरज़ादा साहब हमारे सामने रौनक जो मेरी तरह बहुत बोलते नहीं मगर काम बहुत करते। ये हो सकता है कि बोलने की ड्यूटी पे मैं लगाया गया हूं, काम की ड्यूटी पर वो लगाएगा, वो खास और फिल्म के ड्यूटी। इन्हें कैसे मुल्क में रखा गया जहां काम की जरूरत और मुझे ऐसे मुल्क में रखा गया जहां टेंशन की जरूरत, बोलना ही पड़ता है। अजान के साथ जब घंटों की आवाज आए तो बोलना ही पड़ा, ये बोलते बोलते बोलने ही की आदत पड़ गई। मुझे मालूम है ये खाना खुदा है, टाइम टेबल बना है, और ये भी मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईशा का वक्त रब ने कहां तक दे रखा है, तो इंशाल्लाह हम ईशा की नमाज ईशा के वक्त ही में पढ़ेंगे, चाहे अपने बनाए हुए टाइम टेबल में न पढ़ पाए लेकिन शरीयत के बनाए हुए टाइम टेबल ही पढ़ पाए। उलमाए मिल्लत इस्लामिया तो मेरे बिल्कुल सच्चे पक्के सुन्नी भाइयों, बजाय किसी तकरीरी लहजे वन टू वन जैसे बात करते हैं वैसी की जाए। आयत करीमा का तर्जुमा है तहकीक की आया तुम्हारे पास कद जाकुम केम टू यू, कौन कद जाकुम कहां से मिनल्लाह, कौन नूरुम अकेला है क्या नहीं वो किताबों, हमारी महज़ब जिंदगी हमारे सिविलाइजेशन हमारे कल्चर हमारी ह्यूमन वैल्यूज में इस बात की बड़ी अहमियत है कि मेहमान को इग्नोर ना करो, एक्सेप्ट करो, वेलकम करो। तो हम हमारे यहां कल्चर है जब कोई मेहमान ने दरवाजा खटखटाया तो हम ये जरूर पूछते हैं आप कौन हैं, कौन के जवाब में ये पता चलेगा कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, यानी हम सर्विस कौन सी दें। जब उसने अपना नाम बताया
तो हमारा दूसरा सोशल क्वेश्चन माइंड में ये होता है, आए कहां से हो? अगर बर्मिंघम ही चाहे हो तो चाय पी लो, ठंडा गरम, व्हाट डू यू वांट। और अगर ब्लैकबर्न से आए हो तो रोटी सोटी जो है खा लो, दूर से आया है। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, तुम अकेले हो या साथ में कोई और है, कितनी प्लेटें लगाऊं? ये हमारी सोशल लाइफ के बेसिक क्वेश्चन है। जो आया मेहमान, तजस्सुस ये है कि तुम हो कौन, दूसरा आए कहां से हो, तीसरा कितने आदमी साथ में। अगर ये तीनों क्वेश्चन तुम करो तो तीनों का जवाब आयत में मौजूद है। जब तुम्हें अल्लाह है नूर व किताब मुबीन, जो आया उससे मैंने पूछा आप हैं कौन, तो कुरान की बोली में नूर, आप हैं कौन, नूर, कहां से तशरीफ लाए हैं, मिन अल्लाह, कहां से आ रहे हैं, मिन अल्लाह फ्रॉम अल्लाह। और कोई साथ में है कि अकेले हो? अकेला नहीं हूं, वो किताब मुबीन, साथ में रोशन किताब। यहां पर आप, आई वुड लाइक टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, कि वन वर्ड ऑफ नबी इन द आयत, नबी नूर, नबी नहीं, कद जाकुम मिन अल्लाह नूर, ये क्यों नहीं कहा कद जाकुम मिन अल्लाह नबी युम व किताबुम मुबीन, आ गया अल्लाह की जानिब से नबी और रोशन किताब। ये क्यों नहीं कहा गया कद जाकुम मिन अल्लाह रसूल युम व किताबुम मुबीन, आने वाला नबी है, आने वाला रसूल है। तो नबी और रसूल क्यों नहीं कहा गया, नूर क्यों? तो जवाब ये है कि चूंकि इस नूर के साथ किताब है और किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। Nobody can read book in darkness। और ये किताब कॉरन मार्क्स की नहीं है कि बेल्टी सिटी की लाइट पे पढ़ लो, ये अल्लाह की किताब है। ये सूरज की रोशनी में नहीं, मुस्तफा की सुन्नत की रोशनी में समझ में। इसलिए अरबी पढ़कर जिसने कुरान का तर्जुमा किया, अरबी पढ़कर अरबी पर भरोसा करके कुरान का तर्जुमा किया, वो और हो गया। और जिसने नबी करीम पे भरोसा करके उन्हें देख कर तर्जुमा दिया, वो और है। तो कुरान की जिया हो या कुरान का खजाना, चाहे वो कंजुल ईमान हो, चाहे जिया उल कुरान हो, ये वो तर्जुमे हैं जिसे किताबुल्लाह के वो तर्जुमे हैं जो सुन्नत रसूलुल्लाह को सामने रख कर किए गए। काफी लोग कैसे फिरते, कुरान काफी है, सुन्नत की जरूरत नहीं। हालांकि वो भूल जाते हैं कि जब वो कुरान समझ नहीं सकते थे और दुनिया में पैदा हुए तो एक ही हफ्ते में सुन्नत ही अमल किया करो। सुन्नत से स्टार्ट ले रहा है और जब मरेगा तो सुन्नत ही के साय में उसका जनाजा होगा। स्टार सुन्नत, एंड सुन्नत, फिर भी नहीं बन सका अहले सुन्नत। मैं एक मिसाल दूं भाई, ये सुन्नत, देखिए सुन्नत जो है वाकई जरूरी है। देखो कुरान काफी है, कुरान हमको काफी है। हाँ हाँ,
खुश नसीब हैं। तवज्जो चाहूं, देखिए मैं कहां कहां का जवाब दे रहा हूं जुमले में। हां हां, कुछ ऐसे खुश नसीब हैं जिन्हें कुरान काफी है, उन्हें यहां है कहने का हक होना किताबुल्लाह। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने किताबुल्लाह को रसूलुल्लाह से पढ़ा हो। ये बाद वालों को हक नहीं है कहने का। कुरान का दिया में सुन्नत की जरूरत नहीं। चलो, हालांकि ये सुन्नत बड़ी अहम चीज है। सुन्नत दो तकरीरें एक महफिल। ये सुन्नत की डिफिनीशन अगर आप हजरत अलावा पीरज़ादा इमदाद हुसैन साहब से मिलेंगे, वो असातिज़ा से मिलेंगे, उलमा से मिलेंगे हमारे, तो ये आपको पता लगेगा कि सुन्नत जो है असुन्नत इकमालुल फर्ज फी महलिही, जो फर्ज में कमाल पैदा करे, फर्ज में जमाल पैदा करे, जो फर्ज में इकमाल पैदा, जो फर्ज फर्ज की ड्यूटी में ब्यूटी पैदा करे। आपको तो आ रही थी, बस आपकी आवाज ना निकले। तो फर्ज में जो ड्यूटी है, सुन्नत से उसमें ड्यूटी आ जाती है। जैसे यही है, एक मतलब मैं बैठे बैठे मैंने कह दिया पीरज़ादा साहब की तरीका इकमाले शरीयत, बिल्कुल जो हिदाया में मैंने पढ़ा था कि इकमालुल फर्ज जो है वो सुन्नत है, उसी बताया करते हुए मैंने कहा कि भाई इकमालुल शरीयत जो है वही तरीका, फर्ज होना फिर सुन्नत, ऐसे शरीयत होना फिर तरीकत। आपको कैसे समझाऊं, पहले शरीयत है फिर तरीकत है, ऐसे समझो जैसे शरीयत सर में बाल, सर में बाल, और तरीकत ये जो बीच में चीर मांग निकालते हैं, चीर लाइन, लाइन क्या बोलते हैं, चीर बोलते, वो उस बाल के हुस्न को बढ़ाने के लिए तो है। तो अब चीर में जो हुस्न है उसे लेना है तो बाल तो रखना ही पड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि बाल ना हो चीर निकल आए। ये हो सकता है किसी के सर पे बाल हो चीर ना हो, यानी शरीयत वाला हो तरीकत वाला ना हो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि चीर हो और बाल ना हो, तरीकत वाला हो शरीयत वाला ना हो। वजू है, क्या है कुरान चेहरे को धोने का हुक्म है ना कुरान में, हाथ काय को धोते हो, कुल्ली क्यों करते हो, नाक में पानी डालते हो, ये तो कुरान में नहीं है। और जब हाथ धो लिया, कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाला, तब हम कहते हैं फगसलू वजूहकुम, तब हम चेहरा धोते हैं। कुरान के अमल बाद में ये तीन, फिर ज्यादा साहब ने फरमाया कि ये सुन्नत, इस सुन्नत ने कौन सी ब्यूटी पैदा किया है, हम अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं, पानी ठीक ठाक होना चाहिए, और पानी ठीक ठाक होगा तब हम वजू जैसा फर्ज अदा करेंगे और फिर उससे नमाज पढ़ेंगे। तब मेरे नबी ने कहा पहले तीन मरतबा हाथ में ले लो ताकि रंग मालूम हो जाए, फिर मुंह में डालकर कुल्ली कर लो ताकि जायका मालूम हो जाए, और नाक में डालोगे तो महक मालूम हो जाएगी, जब पानी हेल्दी होगा तब ले लो।
अब जिनके पास सुन्नत ना हो, नारे में पहुंचे डायरेक्ट मार लिया मुंह पे, उन्हें ये भी पता नहीं चला पानी बदबूदार है, बदरंग है, बदजायका है, पसड़ा हुआ है। तो सड़े हुए पानी से वजू ना होने पर सुन्नत ने बचा लिया। तो ये नूर इसलिए हमने भेजा, किसी और रोशनी में कुरान को मत पढ़ना, मटेरियलिस्टिक लाइफ में मत पढ़ना, किसी बंद ज़हनियत के इदारे में मत पढ़ना। इसके लिए हमने नूर भेजा है। मदीने वाले का नूर होगा, किताबें मुबीन होगी, तो नूरु मुबीन की रोशनी में किताबु मुबीन का मुताला करो। और ये नूर है, और नूर की शान यह है कि नूर झगड़ा करने आता ही नहीं, नूर टेंशन बनाता ही नहीं, नूर रिएक्शनरी होता ही नहीं, नूर में दहशत होती नहीं, नूर में सुकून है, नूर में मार्फत है, मार्फत है अशिया की, लाइट लाइट है, लाइट का काम बदलना नहीं है, लाइट का काम बदलना नहीं है, लाइट का काम है जो जैसा हो उसको दिखा देना। इसी मस्जिद सर पे लाइट है, क्या ये किसी को बदल गई है? ये बता रही है ये पिलर काला है, ये झालर सुनहरी है, यहां की दादा साहब बैठे, इधर हाशमी है, जो जहां है, जो काली शेरवानी पहने उनका काला रंग दिखा रहा है, जो व्हाइट ड्रेस में है उनका व्हाइट ड्रेस दिखा रहा है। तो लाइट का काम यह नहीं है कि रंग बदल दे, लाइट का काम यह है कि जो जैसा है उसको वैसा पहचानवा दे। मैंने अपने हबीब को नूर बना के भेजा, ये बदलने नहीं सकता, रंग बताने आया। जब तक लाइट नहीं होती अंधेरे में पहचानना मुमकिन नहीं, लेकिन जब रोशनी आ जाती है तो सारे चेहरे पहचानने आ जाते हैं। तो जब तक ये नूर नहीं आया था अबू जहल और अबू बकर का फर्क मालूम ना था, मगर जैसे ही ये नूर आया पता चला एक अबू जहल है, दूसरा सिद्दीक अकबर। इंडिया में घर है वो जितना इंटीरियर में है वो अनडेवलप्ड है, इग्नोर्ड है, सरकार ने भी जंगल में दरबार बना है, तो जंगल होने की वजह से तरक्की होते होते बहुत टाइम लग रहा है, वो जैसे गलियाल का नशेबो फराग है चक सवारी की, ऐसे हमारा इलाका भी थोड़ा वीरान है, और लोड शेडिंग में भी हम आपसे पीछे नहीं है। जवाब ऐसी भी किसी इलाके की वो मिसाल है कि मिलाद की महफिल का ऐलान हुआ कि ऐसा बात है, तो दो भाई तैयार हुए जाने के लिए, तो एक पहले निकला, अब अंधेरा था, लाइट नहीं थी, अंदाजे से वो निकले, दरवाजा सड़ा कुल की जानी पहचानी जगह थी, अंदाजे से निकले, और उसका पैर एक बहुत ही सख्त किस्म की रस्सी पर उसका नंगे पैर उसमें हाथ पैर रख दिया, और वो डर गया। जब वो रस्सी की सख्ती चुभने लगी तो वो डरा कि सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, इस एहसास से बेहोश हो गया। पीछे छोटा भाई आया, भाई को बेहोश पाया तो भागा, अंदर से लालटेन लेकर के आया, जगाया, पानी डाला, क्या भाई क्या बात है, सामने काट दिया, कहां है सांप, यही तो है,
जब रोशनी पड़ी तो देखा रस्सी, ओह अंधेरे ने धोखा दे दिया। ये अंधेरे बड़े धोखेबाज हैं, अंधेरों से बचा करो। ये जहां अंधेरे होते हैं वहीं धोखा होता। सोमनाथ का अंधेरा वहां धोखा दे रहा, 360 भूतों का अंधेरा ताबे में लोगों को धोखा दे रहा। ये अंधेरे, ये डार्कनेस ने धोखा दे दिया। मिला में गया, दोनों भाई लोग गए, अरे ये रस्सी रस्सी हंसा, दोनों भाई निकल गए। दो घंटे के बाद जब मिला की महफिल खत्म हुई, वापस आए और उसी अंधेरे में वापस आ रहे हैं, इत्तेफाक से पैर के नीचे सांप आ गया, फिर रस्सी, सांप को रस्सी समझ लिया और रस्सी समझ करके पैर से प्रेस कर दिया, फिर रस्सी गया, सोया, सुबह उठा, बजे की नमाज पढ़ी, बाहर निकला तो दरवाजे पर मरा हुआ सांप। अच्छा वापसी में मैंने सांप मार दिया। मुस्कुराते मुस्कुराते आपने क्या समझा, अंधेरे ने रस्सी और सांप के फर्क को समझने नहीं दिया, लेकिन सुबह को जब सूरज निकला तो उसे पता चला रस्सी वहां पड़ी है और सांप यहां मरा हुआ। तो रोशनी का काम रस्सी को सांप बनाना नहीं है, सांप को रस्सी बनाना नहीं है, उसका काम जो रस्सी है वो रस्सी नजर आए, जो सांप है वो सांप नजर आए, बदलना उसका काम नहीं, पहचानवाना उसका काम। तो जब तक मेरे मुस्तफा जलवागर नहीं थे, ये नूर नहीं आया था, तो मक्के के अंधेरों में लोगों के चेहरे पहचानने में नहीं आए, और जैसे ही ये नूर चमका पता चला ये सिद्दीक है, ये फारूक है, ये गनी है, ये अली है, ये जन्नती है। एक जगह को कहा, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। इसी नूर को सिराज भी कहा गया, और सिराज के तो दो माने होते हैं, दो माने हैं सिराज के, अरबी वर्ड है, देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ सिराज। सिराज के माने सूरज भी है और सिराज के माने चढ़ा हुई है। तो अगर किसी का नाम सिराजुद्दीन है तो उसका दो तर्जुमा होगा, आफ्ताबुद्दीन भी और चिरागुद्दीन भी। इसीलिए रब ने शमसम मुनीरा नहीं कहा, क्योंकि शम्स के माने सिर्फ सूरज, मिसबाहम मुनीरा भी नहीं कहा, क्योंकि मिसबाह के माने सिर्फ चांद। रसूल अगर तुम चिराग हो तो लोग पूछेंगे कि चिराग रात में जलता है, दिन का रसूल को, और अगर मैंने तुम्हें शम्स कहा तो शम्स सिर्फ दिन में होता है, तो रात का रसूल कौन? इसलिए मैं तुम्हें सिराज कहता हूं, तुम ही दिन के सूरज हो और तुम ही रात के चिराग। यंगस्टर की तवज्जो एक लम्हे के लिए चाहूंगा, ये जो पत्थर हैं, वो जो स्टोन्स दुनिया में है, हिल स्टोन्स हैं, माउंटेन्स हैं, इसमें कुछ ही स्टोन हैं जो चमकते हैं। हर पत्थर को डायमंड नहीं कहते, हर पत्थर को डायमंड वही है जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स, अगर यहाँ कोई साहब मौजूद होंगे वो जानते होंगे कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, साइंस का एक सब्जेक्ट है, जिसमें कई चैप्टर हैं, हीट है, साउंड है, मैग्नेट है, उसी में चैप्टर लाइट है, और लाइट के चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका ये सूरज से जो रे किरण चली, मेरे बॉडी से टकराई और वापस चली गई, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पत्थर पत्थर से टकराया, किरण टकरा गई और उसने किरण को वापस कर दिया,
फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्टोन रिटर्न बैक टू सन, वो पत्थर है। इसी में कहा जाता है अगर कोई किरण सूरज की पत्थर के अंदर चली जाए और अंदर ही वो रिफ्लेक्ट होती रहे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, समटाइम टोटल रिफ्लेक्शन, वो डायमंड हो जाता। तो जिस पत्थर ने सूरज की किरण को वापस कर दिया वो पत्थर है, और जिसने अपने अंदर ले लिया वो हीरा। ए मेरे गुलामों, मैंने तुम्हारे नबी को सूरज बनाया, अब जो उनके फैजान की किरण के मुनकिर होंगे वो पत्थर होंगे, और जो फैजान नबूवत की किरणों को दिल में रख लेंगे वो हीरा। हीरा, या अपने दिल को आईना बना दिया। चलो ये मसला ही मैं खत्म किए देता हूं। सूरज कितनी दूर है यहां से? कितने लाख माइल फार फ्रॉम द अर्थ? आई डोंट नो, यू नो बेटर देन मी। बाहर बहुत दूर है। हाँ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सूरज कहा है। हाँ, तो वो भी बहुत दूर है। हाँ, तो पुकारते क्यों? अच्छा, सूरज दूर है? हाँ दूर है। ए साहब ने मुझसे कहा कि सूरज बहुत दूर है, वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। मैं कहा नो डाउट। एक दूसरा दीवाना खड़ा हो गया, हाशमी मिया सूरज वेरी वेरी नियरेस्ट टू मी। मैंने कहा नो डाउट, this is a big doubt, both are no doubt। हाशमी से कहा गया कि सूरज दूर है, उनका बेशक सूरज दूर नहीं करीब है बेशक। अरे भाई दोनों सच बोल रहे हैं तो बेशक ना कहूं, पर जिक्र कर लेना कल इंशाल्लाह तुम्हें साबित करने के लिए थोड़ी देर के लिए सूरज आएगा। कल कर लेना प्रैक्टिकल, एक हाथ में ले लेना पत्थर और एक हाथ में ले लेना मिरर आईना, और दोनों को रख देना सड़क पर, देखना पत्थर से, पूछ पत्थर से, ए पत्थर पत्थर सूरज कहां है? पत्थर बोलेगा बहुत दूर है, बहुत दूर है। और मैंने आईने से पूछा, मिरर से पूछा, तू बता। कभी मेरे अंदर, मेरे अंदर। और जब मैंने छाप करके देखा तो जो आप वो ताप वहां है, वही आप वो ताप यहां है। जो आंखों को खीरा कर देने की ताकत वहां है, वही आंखों की खीरा कर देने की ताकत आईने में। और जो जमाल वहां है, वही जमाल यहां है। जो कमाल वहां है, वही कमाल यहां है। जो रंग वहां है, वही रंग यहां है। जो शुआए वहां है, वही शुआए यहां है। जो रेत वहां है, वही रेत यहां है। जो नजरों को खीरा कर देने की ताकत वहां है, वही यहां है। पत्थर बोला दूर है, आईना बोला अंदर है। मेरे नबी को दूर गए तो झगड़ा मत करना, समझ जाना पत्थर बोल रहा है। दूर गाजी मिले, और अगर किसी ने कहा या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह, उसे बिदती मत समझना, समझ जाना आईना बोल रहा है, आईना बोल रहा है। अब अगली बात, आईना ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए एक माहिर की जरूरत है, जो सही क्वांटिटी के साथ, कम ज्यादा ना होने पर, सही क्वांटिटी के साथ मसाला लगाए। अगर ये मसाला तुम हटा दोगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इधर उधर दिखेगा, मसाला लगा। तो जिसने शीशा दिया उसे शरीयत कहते हैं,
जिसने उस पर मसाला लगा के आईना बना दिया उसे तरीकत कहते हैं। आलिम वो है जो शीशा दे दे, मुर्शिद वो है जो आईना बना दे। देखो अल्लाह ताला ने इस्लाम को 2000 वर्ष 3000 वर्ष के लिए नहीं भेजा, कयामत तक, और कयामत तक उसको वो चलाएगा अपने कर्म से, उसने अपने जिम्मे कर्म में ले लिया। मगर नबी आना बंद कर दिया, काम चालू है नबी नहीं आएगा। जिस काम के लिए नबी आते थे अब उसी काम के लिए नबी नहीं आएगा। कम जरूरत पर नबी आते थे, ज्यादा जरूरत हो गई नहीं आएगा। एक फिरौन था तो नबी आया, अब हर शहर में फिरौन है नबी नहीं आ रहा। एक अबू जहल के लिए, अबू लहब के लिए, आज समझ जाओ कौन से मुल्क में ये नहीं, लेकिन नबी नहीं आएगा तो काम कौन करेगा? कहा वली करेगा। ये नायब है, नायब है। अब इसको कैसे समझो? बाबा वो बात बताऊं जो तुम्हारी पहले से नॉलेज में हो, तब मेरी वो बात समझोगे। जो कहते हैं ना, मालूमात को ऐसी तरतीब देना कि मजबूर कैद हो जाए और खता फिर फिक्र से बच जाए, वो मन कति इस्तिदलाल कहलाता। क्योंकि आपको कुछ पता तो हो, पहले से आपको पता है कि वजू किस चीज से होता है? पानी से। अगर तुम ऐसी जगह फंस गए जहां पानी नहीं तो क्या करोगे? तयम्मुम करोगे। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को पानी से और मिट्टी से, तीन हिस्सा पानी है एक हिस्सा मिट्टी है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम नापाक रहो। समंदर में फंस गए तो पानी ही पानी है, हमेशा पाक रहो, और जंगल में फंस गए तो मिट्टी ही मिट्टी है, हमेशा पाक रहो। ये जिनके हम मिट्टी और पानी की कदर नहीं है, पानी से नहाते नहीं, पानी पीते नहीं, वही तो ना पाक दिखाई देते। तो ये पानी नहीं है तो क्या करना? वजू नहीं कर सकते, तयम्मुम करना। अच्छा, तयम्मुम से क्या क्या होगा? वही जो काम वजू से होगा। हम वजू करके फजर दोहर असर मगरिब इशा पढ़ सकते हैं, और पानी ना मिले तयम्मुम कर ले तो तयम्मुम से भी फजर दोहर असर मगरिब इशा पढ़ सकते हैं। वजू करके हम कुरान छूते थे तो तयम्मुम करके भी छू सकते। वजू करके हम मस्जिद में जाते थे और हमें पानी नहीं मिला तो हम तयम्मुम करके किसी घर में भी जा सकते। तयम्मुम वजू का नायब है। तो नायब का मतलब यह है कि जब असल मौजूद ना हो तो उसके खलीफा से काम लेते हैं। उसका खलक कौन है? उसका नायब कौन है? उसका असिस्टेंट कौन है? इसीलिए वो जमात गुमराह हो गई जिसने नबी का तो कलमा पढ़ा मगर खलीफा को ना मान पाया। नबी करीम का जो नायब था अव्वल, वहां वो धोखा खा गए। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि सारे अंबिया कराम पर मेरे मां बाप कुर्बान वो असल है, और औलिया कराम उनके खलीफा है, नायब है, असिस्टेंट। जिस तरह पानी न मिले तो तयम्मुम से काम निकाला जा सकता है। वो सारा काम जो वजू करके हम करते थे वो तयम्मुम से भी मिलेगा। तो जब नबी निगाहों के सामने ना हो तो फिर उसका नायब है तयम्मुम की तरह, उसका नायब है वली, तो वली के डर से हमें वो सब मिलेगा जो नबी के डर से सहाबा को मिला। और कयामत तक विलायत का सिलसिला जारी रहेगा। और अल्लाह ताला अपने इन नेक बंदों की याद हमसे महाना और सालाना करवाता रहेगा। क्योंकि जब कोई नबी को भूल जाता है तो यहूद और नसारा में चला जाता है, और वली को भूल जाता है तो
पर नतीजा जमातों में चला जाता है। और एक बात याद रखिए, जो खुदा तक ले जाएगा, जो भी खुदा तक ले जाएगा, शैतान रुकावट डालेगा, वहां मत जाओ। जो खुदा तक ले जाएगा वहां इब्लीस हमको जाने नहीं देगा। आदम अलैहि सलाम खुदा तक ले जाते थे, नूह अलैहि सलाम खुदा तक ले जाते थे, मूसा अलैहि सलाम खुदा तक ले जाते थे। कितनी कोशिश करता था कि मूसा के पास ना जाओ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह खुदा के पास ले जाते थे, पूरा नमरूद मुसल्लम कर दिया उसने, रुकावट डाल। तो नबी की मुखालफत इब्लीस ने इसलिए की कि नबी खुदा तक ले जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, पैदा हुए, फाइनल लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। तो कहते मीलाद भी याद मत करो, मीलाद से पर्सनालिटी याद आएगी, पैदाइश का दिन याद करोगे तो जात याद आएगी। लग गया पीछे, उसे पता चला वाला के रसूल अल्लाह है, वाला तो नबी ही, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। बड़ा खुश हुआ। चलो एक डिपार्टमेंट हफ्ता बारह को साल ने क्लोज कर दिया, अपने इल्म के हिसाब से, मिजाज के हिसाब से बड़ा रिलैक्स हो गया। उसको बता ना और मुश्किल में डाल दिया। कहा क्या? कहा जब नबी आते थे तो अल्लामा साहब, मुझे याद नहीं, मैं बोल भी नहीं सकता, मुझे पता भी नहीं कि हजरत आदम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने हजार बरस गुजरे, पचासों हजार बरस के बाद। और इन पचासों हजार बरस में कितने अंबिया है? 1,24,000 नियर अबाउट। तो अगर 1,00,000 बरस गुजरा, उस लाख बरस में 1,24,000, और जब नबी का आना बंद और वली का सिलसिला जारी, हमें तो 1,25,000 तो सिर्फ मुल्तान में ढूंढोगे तो मिल जाएगी। आज 1,400 बरस गुजरा है। तुम नबियों की तादाद बताते हो, नियर अबाउट 1,24,000। मुझे बताओ सिद्दीक अकबर से लेकर कयामत तक जितने भी औलिया किराम उनकी फिगर क्या है? अरबों खरबों, 1,25,000 अंबिया आए और आना बंद, उसके बाद लाखों करोड़ों खरबों। तो मुझे बता कि इनको वली से इब्लीस को कितनी उलझन होगी। ये वली, ये जकरिया अगर मुल्तान न होते, ये ख्वाजा अगर अजमेर में ना होते, अगर दादा लाहौर में ना होते, तो इनकी तो बन जाती। लेकिन गरीब नवाज ने अपना मुसल्ला जब अजमेर में बिछाया तो 90,00,000 लोगों को कलमा पढ़ा दिया। बताओ कैसे बर्दाश्त कर सकता है वो कौसे आजम की 11वीं को, कैसे वो बर्दाश्त कर सकता है ख्वाजा की 6वीं को, कैसे वो बर्दाश्त कर सकता है अहमद रजा के कलम को, कैसे वो बर्दाश्त कर सकता है बाबा फरीद गंजे शकर की अजमत और इब्बत को, कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि या मोईन हक मोईन कैसे बर्दाश्त करेगा, या फरीद हक फरीद कैसे बर्दाश्त करेगा, या हमें इब्लीस से मिलने की कोई जरूरत नहीं। जब कोई मुखालिफ इस किस्म का मिले तो समझ जाना मुलाकात हो गई। मेरा नबी किसी को बदलने नहीं पहचानवाने आया था, उसे भी उसने पहचानवाया जो सबसे बड़ा गैब है, गैबुल गैब है, वो है जो समझ है, उसे पहचानवाया जो लम यलिद वलम यूलद है, उसे पहचानवाया जो बेमिसाल है, लाजवाब है, जो ला शरीका लहू उसे भी पहचानवाया। ऐसा नबी किसके पास कि गैब वाला हो उसे भी पहचानवा दे, मुशाहिदे वाला हो उसे भी पहचानवा दे, आलम गैब पर भी नजर हो, आलम
शहादा पे नहीं नजर हो, ऐसा जब मुकम्मल और कामिल नबी आया और उसकी शरीयत में किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं, किसी एडिशन की जरूरत नहीं, तो किसी नबी की जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह है, मैं वो कहना चाहूंगा कि सुभान अल्लाह, इस पर तफसीली गुफ्तगू कभी इंशाअल्लाह करूंगा अगर जामे अल-करम में आने का मौका हुआ तो। अगली बात तुम्हारा इसी आयत करीमा के जिम्मे में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट होता ही है कि गवाही का सिलसिला तब तक चलता है जब तक देखने वाला ना आ जाए। हमारे इमाम साहब यहां बैठे हुए, रमजान शरीफ का मामला है, आने वाला है रमजान शरीफ, ईद का आए, हैरान कर दी, क्या हो गया? आपने देखा है? जी मैंने सुना, कलम रख दिया, दो चार और आए, अरे तरावी होनी चाहिए अभी से और कल से रोजा है, क्यों? हाँ चांद हो गया, आप दोनों ने देखा है? यही सुना, फिर कलम रख दिया। दो घंटे तक लोग आ रहे, दो आ रहे, चार आ रहे, पांच आ रहे, एक आ रहा, दो आ रहा, तीन आ रहा, क्या मैंने सुना, मैंने सुना, मैंने सुना। इमाम साहब कलम उठाते हैं, रख देते, मुअज्जिन फ्रीडम हो गया, इमाम साहब बोलो तो दरवाजा बंद कर दूं, सब सुनने वाले आ रहे। इमाम ने कहा नहीं, जल्दी मत करो, इंतजार कर लो, शायद देखने वाला आ जाए। तीसरे घंटे में एक आया, क्या आपने भी सुना है? क्या नहीं, मैंने देखा, और कलम उठाया और भगवान ने दिया, सबूत शरई मिल गई है, कल से होगा, देखने वाला। बिना कश्ती आदम अलैहि सलाम से लेके ईसा अलैहि सलाम तक जितने अंबिया कराम आए, बोले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो देखा है क्या? जाके किबलिया देखा है? नहीं, वो दूर में जो देखा था वो दस की तजल्ली नहीं थी, वो भी सिफत की तजल्ली थी, वो भी डायरेक्ट नहीं थी, दूर के वसीले से जान देखा नहीं, मगर उनकी गवाही मोर देन 100% सही है, बिल्कुल सच है, हक है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मगर कहने वाला जो गवाही दे रहा है देखे लो, उसका इल्म यकीनी है, वही इलाही है, फरिश्तों ने आके बताया, जिब्रील ने, उसके इल्म में डाउट नहीं है, लेकिन देखा नहीं। लेकिन 12 रबी अव्वल की सुबह शादी को जब पैदा हुआ और 40 साल की उम्र में हकीकत को खोलने लगा, फरात की चोटी पे खड़ा होकर बोला अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो पूछा गया क्या तुमने भी सुना है? कहा नहीं, मैंने देखा है। इमाम ने क्या किया? गवाही लिया, वापस वो गवाही दे के वापस हुआ, का दरवाजा बंद कर, जब देखने वाला नबी आ गया और उसने अपनी गवाही पूरी कर दी, तो रब ने कहा दरवाजे नबूवत को बंद कर, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं इस गवाही के बाद। एक साहब को दिमागी खलल हुआ, मेंटल ट्रबल का शिकार हुए और कादियान से खड़े होकर बोले मैं नबी हूं। हमने भी धीरे से पूछा क्या खुदा को देखा है? बोले नहीं, हमने भी सुना। तो फिर ज्यादा साहब मैंने कहा अबे जब सुनने वाले आ रहे थे तब क्यों नहीं आया, देखने वाले के बाद तेरी क्या जरूरत? कौन सच्ची किताब है, कौन झूठी, कौन सच्ची उम्मत है, कौन बिगड़ गई, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन नीला है, कौन पीला है, कौन सदाकत वाला है, कौन अदालत वाला है, कौन सखावत वाला है, कौन शुजात वाला है, कौन तहारत वाला है, कौन गौसियत वाला है, कौन खजगियत वाला है, कौन अबदाल है, कौन औताद है, कौन रुकबा में है, कौन रुजबा में है, ये बढ़ने नहीं नबी आया था, ये जाहिर करने नबी आया। नूर का काम है हकायक को रोशन
सूरज के उजाले में फर्क मालूम हुआ, ऐसे ही कुफ्र के अंधेरे में शख्सियतें पहचान में नहीं आई, मगर जब ये नूर आया तो हक क्या है बातिल क्या है। चमकाना, रोशन करना। शीशे में कहां नूर था, सूरज ने चमकाया तो इतना तगड़ा रिफ्लेक्शन होता है कि अगर हम कमरे में बैठे हों और मेरा बेटा आंगन में हो और वहीं से आईना घुमावे तो मेरे मुंह पे पड़ेगा, मैं चौंधिया जाऊंगा। तो सूरज ने आईने को चमकाया, उसका रिफ्लेक्शन मेरे मुंह पे, सूरज ने चमकाया। तो जो सूरज के चमकाने से चमकते हैं उनकी चमक अपनी नहीं होती, जो सूरज के चमकाने से चमकते हैं उनकी चमक अपनी नहीं होती। और हुजूर ने राज खोल दिया, असहाबी कर जो मेरे सहाबा सितारे हैं, और साइंस ने राज खोल दिया, सितारे खुद नहीं चमकते, सूरज चमकाता है। तो सहाबा कराम में जो रोशनी है ये इनकी अपनी नहीं है, नबी की देन है। अब अगर किसी सहाबी पे उंगली उठाओ, किसी सितारे से आंख लड़ाओगे, बात पहुंचेगी सूरज तक। ये रोशनी, ये जो लाइट है, ये चमकाने का काम है। इसलिए देखो ना, हम तीन जुमले में पूरी तकलीफ खत्म कर दें। आदम अलैहिस्सलाम में था, फरिश्तों ने सजदा किया, और किसी शरीयत में शिर्क की जगह नहीं है, किसी नबी की शरीयत में शिर्क नहीं, मगर आदम की शरीयत में सजदा है। इसका मतलब यह कि हर सजदा शिर्क नहीं, कम से कम यार नबी का तो ख्याल रखो, हम मौलवियों का ख्याल रखो, नबी का तो एहतराम करो कि नबी की बारगाह में फरिश्तों से, यानी मासूम का सजदा मासूमों से कराया गया, एक मासूम नहीं था निकलवा दिया गया। तो बेगुनाह का सजदा बेगुनाहों से कराया गया, और जिसे गुनहगार बनाया गया उसको अबाब अस्तक वाला बकार काफी नहीं, किस सनद दे दी गई। आदम अलैहिस्सलाम में था तो फरिश्तों ने सजदा किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम में नूर आया आग जला न सकी, और तीसरा एंड फाइनल जुमला जब इस्माइल अलैहिस्सलाम में आया तो छुरी गर्दन काट न सकी। इसी को आशिक रसूल ने देखा कि ये नूर पाक पुश्तो